नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों और डिपेंडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट वेलफेयर अपडेट जॉब अपडेट है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपको कोई इंक्वायरी हो तो हमारे वेबसाइट सैनिक वेलफेयर रिसर्च में जाके आप ये अपना ये फॉर्म फिल करके वहाँ पर अपना इंक्वायरी यहाँ पर लिख के भेज सकते हैं, ताकि मैं उसका जवाब विस्तारपूर्वक दे सकता हूँ। इसके अलावा आप कॉमेंट भी कर सकते हैं, तो कॉमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के आधार पर मेरे को पता चलता है कि आप मतलब आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका क्वेरी क्या है। तो चलिए अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग जॉब अपडेट और वेलफेयर अपडेट्स में को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, CEA और PMSS का लास्ट डेट है 30 नवंबर 2024। तो जो भी पूर्व सैनिक हैं अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो कृपया इसको अप्लाई कर दें, डेट बहुत अभी नज़दीक आ गया है, तो 30 नवंबर तक आप इसको अप्लाई करने का कोशिश करें, जो भी साहब लोग अभी अप्लाई नहीं किएंगे। दूसरा अपडेट है पंजाब के पूर्व सैनिकों के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला, पंजाब एक सर्विसमैन कॉरपोरेशन के तरफ से ये अपडेट आया है। जो भी पूर्व सैनिक हैं पंजाब के, टोटल अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज वो निगम कार्यालय में एक सर्विसमैन कॉरपोरेशन में जा सकते हैं, वहाँ अपनी क्वेरीज वैकेंसी से रिलेटेड हो या वेलफेयर से रिलेटेड, वो यहाँ मैप देखिए, मैप पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ मैप दिया हुआ है, और जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आपको या रिक्रूटमेंट का क्वेरी है या कोई वेलफेयर का क्वेरी है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए आप अमृतसर के हैं, तो अमृतसर में आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, तो आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, मैप पे दिया हुआ है, आप मैप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप क्लिक करेंगे तो अपना आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है आप अपना क्लिक करके इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो पंजाब के एक सर्विसमैन के लिए, डिपेंडेंट्स के लिए ये वेलफेयर अपडेट है, दैट इज वो एक इंस्टीट्यूट है, महाराजा रंजीत सिंह आर्म फोर्सेस प्रिपेरेटरी इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे तैयारी कराया जाता है NDA UPSC के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका लेटर भी है, मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ। ये इनका लेटर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर NDA एस्पिरेंट्स, NDA के साथ साथ ये UPSC के लिए भी तैयारी करा रहे हैं, SSB स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के लिए। तो जो भी डिपेंडेंट्स हैं जो क्लास 11th 12th में हैं, वो इसको परस्यू कर सकते हैं, बाकी यहाँ पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। सबसे खास बात क्या है ना, द कंप्लीट कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग, मेसिंग, यूनिफॉर्म्स इज पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो ये खास बात है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट, और इनका रिजल्ट भी देखिए यहाँ पे इन्होंने पब्लिश किया हुआ है, इनका रिजल्ट भी अच्छा है, 59% जो है, इन्होंने 238 कैंडिडेट्स इनके निकले हुए हैं, और है ना, तो आप यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं ये, बाकी पूरा इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और इनका जो नेक्स्ट बैच है वो अप्रैल 2024 से कमेंस हो रहा है, तो यहाँ पे ये इनका पूरा दिया हुआ है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, डोमिसाइल ऑफ पंजाब होना चाहिए, स्टडिंग इन क्लास 10th, एटलीस्ट कम से कम क्लास 10th में, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हुआ है, उनका टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसके आधार पर सिलेक्शन होगा, बाकी आप डिटेल्स आप खुद भी चेक कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बाकी आप डिटेल्स देख लेंगे खुद से, कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं इसके ऊपर एक ब्लॉग बना दूंगा डिटेल में, आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे वेलफेयर अपडेट हमारा ख़त्म हो गया, आने वाले वीडियोज़ में और भी काफ़ी सारे वेलफेयर अपडेट्स हैं, मैं लेके आते रहूँगा, तो स्टार्ट करूँगा मैं वेलफेयर अपडेट से ही, उसके बाद में जॉब पे आऊँगा। ये दो वेलफेयर अपडेट्स थे, आप लोग इसको रेफर करेंगे, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जो भी मैं डिस्कस करता हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पक्का देता हूँ, तो आप उसको एक बार रेफर करेंगे। अभी गवर्नमेंट जॉब से स्टार्ट करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट का पोस्ट है 2, और भी वैकेंसी है इंजीनियर्स के लिए भी है, मैं उसका डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि उसमें एक सर्विसमैन का कोटा नहीं है। तो यहाँ सैलरी लेवल 2 का है, सैलरी उतना यहाँ खास नहीं है, लेवल 2 का ही सैलरी मिल रहा है, बट ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, पैन इंडिया पूर्व सैनिक हो या CAPF के वेटरन हो, इसमें अप्लाई कर पाएंगे, किसी भी रैंक के हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए, ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें ध्यान से सुनेंगे, ऑनलाइन तो अप्लाई करना ही है, आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है, दोनों का डेट है
ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है 8 दिसंबर 2024, ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपीज 18 दिसंबर है, यानी जो भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उस अप्लाई का जो आप अप्लाई करेंगे वो रिसिप्ट, इसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पूरे आपको भेजना 18 दिसंबर तक, ये चीज़ है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसके लिए योग्यताएं क्या है, आप देखिए यहाँ ये बोल रहे हैं बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, तो आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डिफेंस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का कहीं भी जिक्र नहीं किया, या इक्विवेलेंट अगर करते तो फिर आप उसमें आप कर पाते, लेकिन यहाँ पे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी का बोल रहा है इंस्टीट्यूट। वैसे आप करके देखें अगर डिफेंस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास, क्योंकि उसी का ज़्यादा क्वेरी आता है, उसके आधार पर भी आप कर अप्लाई करें, देख लें अप्लाई करके, लेकिन ये रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से बोल रहा है या इंस्टीट्यूशन से बोल रहा है। एक्स आर्मी से हो या एक्स पैरामिलिट्री पर्सनल हो, रैंक यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो कोई भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, सिपाही हों, हवलदार हों, जेसीओ हों, अप्लाई कर पाएंगे। मेडिकल कैटेगरी यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए AYE यानी सेफ वन ये खोज रहे हैं, कैरेक्टर एटलीस्ट इनको वेरी गुड चाहिए या इक्विवेलेंट चाहिए, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज़ इनका एक रिक्वायरमेंट क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या आपके आपके पास मोटरसाइकिल का हो या लाइट मोटर व्हीकल का हो, ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो भी हमारे पूर्व सैनिक अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास नहीं है ना, एटलीस्ट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। और दूसरा चीज़ क्या है, कंप्यूटर का एटलीस्ट CCC का सर्टिफिकेट आप रखें, मतलब कंप्यूटर लिटरेट का सर्टिफिकेट CCC के इक्विवेलेंट है, तो वो एटलीस्ट आप एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आप सीख लें थोड़ा बहुत, और उसको जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी सेंट इन क्लोज्ड कवर कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट अलॉन्ग विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपने वहाँ पे फिल किया जैसे डिस्चार्ज बुक, PPO, जो भी आप उसमें लगाएंगे वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, उसके साथ आपको भेजना है। किनको भेजना है ये डिटेल आपको दिया हुआ है, IC सिलेक्शन कमिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, JNTU इंक्यूबेशन सेंटर, ये एड्रेस है। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप बिना आप नोटिफिकेशन को पढ़े इसको अप्लाई मत कीजिएगा। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ही बढ़िया है, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के आधार पे और आपके एकेडमिक जो रिजल्ट्स हैं, आपके एकेडमिक रिजल्ट्स हैं, अगर आप इसके लिए मैं एक चीज़ बताऊं कि आपके पास अगर कोई कोर्स है, कोई स्पेशल कोर्स है जैसे फायर फाइटिंग का कोर्स है या सेक्शन कमांडर का कोर्स है, इसके अलावा और भी वेपन WT का कोर्स है या टैक्टिक्स से रिलेटेड कोई कोर्स है, तो वो बूम करेगा, आप आगे आपके लीड करेगा, आपके इंटरव्यू में अच्छा आप काम कर सकते हैं, परफॉर्मेंस आपका ठीक रहेगा, तो वो सब आप जरूर अटैच करें। उसके बाद इसी के आधार पे ये होगा, यहाँ रिटर्न का कुछ नहीं दिया हुआ है, इंटरव्यू होगा और एकेडमिक क्रेडेंशियल्स के आधार पे ये सिलेक्शन होने वाला है। पैन इंडिया पूर्व सैनिक या CAPF इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन KPSC, इसमें लैंड सर्वेयर का पोस्ट है, ये रीओपन हुआ है, मैं पहले इसको डिस्कस कर चुका हूँ, आप पिछले वीडियोज़ में इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक दोबारा मौका मिल रहा है। जो भी पूर्व सैनिक 12th पास हैं या ITI है या डिप्लोमा है इसको कर पाएंगे, इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, जो भी अभी तक नहीं अप्लाई कर पाए लेकिन 12th पास होना चाहिए। सैलरी देखिए, सैलरी यहाँ पे ये दिया हुआ है इनका सैलरी। अब इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डिटेल था, जो डेट था, वो 9 दिसंबर तक एक्सटेंड किया हुआ है, ये अभी एक लास्ट मौका मेरे हिसाब से मिल रहा है कर्नाटका के पूर्व सैनिकों के लिए। ये ऑनलाइन अप्लाई होगा, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी है मैजागन डॉक लिमिटेड, डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, तो इसमें एक सर्विसमैन के साथ साथ यहाँ अग्निवीर के लिए भी सरकार ने यहाँ फायदा दिया हुआ है, उनके लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल 234 पोस्ट है, और ये आप ये इसका आप देख सकते हैं लास्ट डेट इसका 25 नवंबर 2024 से ऑनलाइन आवेदन होगा, इसका लास्ट डेट है 16 दिसंबर 2024। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कटर, ट्रांसलेटर, मैकेनिकल, मशीनिस्ट, रिगर, बाकी जितने भी ये हैं ये सब टेक्निकल पोस्ट हैं, तो आप अगर इससे रिलेटेड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ अच्छा रिजर्वेशन दिया हुआ है, एक सर्विसमैन और अग्निवीर के लिए भी यहाँ पे मेंशन हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं उसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं उस पोस्ट के लिए, आप उसको भी खुद से भी चेक कर लेंगे, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से आप इसको खुद से भी चेक करके इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है UP SSSC जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट, यानी क्लर्क का पोस्ट है। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर आप लोग ये रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ, ये देखिए ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, टोटल पोस्ट 2702 है,
5% रिजर्वेशन है उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिकों के लिए इन जॉब्स में, तो 5% निकल के आ रहा है 135। यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए 135 पोस्ट रिजर्व्ड हैं। अब इसका एलिजिबिलिटी बड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 स्कोर कार्ड चाहिए, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास चाहिए, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग, हिंदी का देखिए 25 वर्ड्स पर मिनट, अंग्रेजी का 30 वर्ड पर मिनट। इसके बाद ट्रिपल सी, मैंने पहले ही बताया था ड्राइविंग लाइसेंस और ये ट्रिपल सी वाला सर्टिफिकेट ये इंपॉर्टेंट है, तो NIELIT वाला ट्रिपल सी एग्जाम पास होना चाहिए। तो ये अगर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, इतने यहाँ पे सख्त नियम है। तो आप देखें ये चारों चीज़ अगर आप अप्लाई मीट कर रहे हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। डिटेल्स ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को रेफर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लें, 23 दिसंबर 2024 से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जा रहा है, उसके बाद 22 जनवरी 2025 तक इसका लास्ट डेट है। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड वाराणसी कार्यालय की तरफ से पूर्व सैनिकों के लिए सुरक्षा गार्ड की भर्ती आई हुई है और ये साइट का नाम है सोनभद्र। ये डायरेक्ट वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको, ये डायरेक्ट है। तो ये सोनभद्र मेडिकल कॉलेज है, यहाँ ये कहाँ पे है, ये रॉबर्ट्सगंज में है। तो यहाँ वैकेंसी है एक सर्विसमैन सुरक्षा गार्ड की, ओनली फॉर एक सर्विसमैन है यहाँ। वैकेंसी 25 है, 8 घंटे 26 दिनों की यहाँ ड्यूटी आवर रहेगा। सैलरी है 24-25 हज़ार के आसपास, ये सैलरी है इंक्लूडिंग PF। एकोमोडेशन दे रहे हैं खाना का, वैसे मेसिंग मेस वहाँ पे है, आप मेस में वहाँ पे खा सकते हैं ऑन पेमेंट या खुद का अरेंजमेंट कर पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट बाकी अभी देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम में पंजीकृत होना अनिवार्य है, चाहे वो पूर्व सैनिक एक सर्विसमैन यूपी के हों, बिहार के हों या मध्य प्रदेश के हों, उनका इसमें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ऑनलाइन इसका प्रोसेस क्या है देखें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप पहले कर लीजिएगा, उसके बाद जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसको ले जाके निगम कार्यालय में जमा कर दीजिएगा और वहाँ पे उनके रजिस्टर है वहाँ एंट्री करके वो साइन ले लेते हैं। तो ये प्रोसेस है, ये अगर जो भी पूर्व सैनिक अभी नहीं भी जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी तत्काल में भी हो भी जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप करके इसको इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अच्छा इनका इंक्वायरी नंबर यहाँ दिया हुआ है, इंक्वायरी नंबर मैंने इसको पहले भी अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, इंक्वायरी नंबर ये है, वहाँ से ज़्यादा जानकारी के लिए आप इंक्वायरी कर पाएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश निगम में लखनऊ ब्रांच की तरफ से, लखनऊ कार्यालय की तरफ से काफ़ी सारे वैकेंसीज आए हुए हैं, जिसमें कि पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, ड्राइवर एट लखनऊ एंड अकाउंटेंट क्लर्क एट गोरखपुर, झांसी, मेरठ एंड प्रयागराज, इन लोकेशंस के लिए है। तो चलिए इसको मैं डिटेल में आपको दिखाता हूँ, इसका डिटेल जानना जरूरी है, ये है इसका डिटेल। अब इसका लास्ट डेट भी मैं बता देता हूँ, लास्ट डेट ये देखिए इसका लास्ट डेट में क्या है, लास्ट डेट ऑफलाइन में इसका अप्लाई होगा 9 दिसंबर 2024 ऑफलाइन मोड में है, कहीं फॉर्म फॉर्म नहीं फिल करना है, ऑफलाइन एट निगम ऑफिस में ही आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, ऑनलाइन इसका नहीं है। इसका डिटेल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड लखनऊ, ये इसका इनका एड्रेस है, बाकी डिटेल्स आप देख लेंगे। इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं वो देखें, यहाँ पे लेखाकार पद हेतु अर्हता है, इसमें एक सर्विसमैन के साथ साथ वीर नारी, पूर्व सैनिक, निराश्रित महिला, दिव्यांग पुत्र एवं पुत्री, तलाकशुदा पुत्री, ये अप्लाई कर पाएंगे। तो आप देखें यहाँ पे आवेदनकर्ता की अर्हताएं क्या हैं, वो अगर एक सर्विसमैन के उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, वीर नारी, पूर्व सैनिक, निराश्रित महिला अगर हैं तो उनके लिए क्या योग्यताएं हैं, वो आप इसको देख लेंगे। सैलरी इसमें दोनों के लिए सेम है, सैलरी इसमें अराउंड 27,072 है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है सहायक लेखाकार, तो इसके लिए भी क्या योग्यताएं हैं, बाकी सब यहाँ दिया हुआ है, आप खुद भी देख लेंगे। सेना में लिपिक पद पर 20 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, इसके अलावा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, MS Excel, MS Word का ज्ञान, टैली का भी ज्ञान होना चाहिए। बाकी है लेखा लिपिक पद हेतु अर्हताएं, तो ये हो गया। उसके बाद और क्या है, वाहन चालक हेतु अर्हताएं, वाहन चालक का भी पोस्ट है, उसके लिए क्या योग्यताएं हैं वो भी देख लेंगे, उनका भी सैलरी जो है ठीक ठाक ही है। तो ये सब हैं, बाकी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करना है वो देख लें। ये देखिए डिस्चार्ज बुक, PPO, पहचान पत्र, ECHS कार्ड, CSD स्मार्ट कार्ड,
आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह ये सब डॉक्यूमेंट्स। अगर आप वीर नारी हैं तो उसके लिए क्या, उनके लिए क्या क्या है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, खुद से भी देख लेंगे। कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो आपको पर्सनली भी भेज दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डिटेल आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये लास्ट है हमारा, ये भी डायरेक्ट वैकेंसी, उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की तरफ से मल्टीपल वैकेंसीज हैं। तो चलिए मैं वेबसाइट पे ऊपर ही ले जाके आपको पूरा दिखा देता हूं। अभी देखिए यहां पे ये अपडेटेड है, वैकेंसी डिटेल्स ऑफ हल्द्वानी रीजन के लिए है, बाकी देहरादून रीजन वाला अभी अपडेट नहीं है। तो जो भी पूर्व सैनिक देहरादून के आसपास हैं और जो जॉब या वेलफेयर अपडेट के लिए तलाश में हैं तो वो अपने देहरादून कार्यालय से संपर्क करें। बाकी ये वाला अपडेटेड है, हल्द्वानी वाला, हल्द्वानी रीजन वाला, तो इसमें काफ़ी सारे पोस्ट हैं, गनमैन, पर्यावरण मित्र, कंप्यूटर प्रोग्रामर, इसके अलावा टीचर, लीगल ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर, अनुसेवक, तो ये सब वैकेंसी हैं, काफ़ी सारे वैकेंसीज हैं आप देख सकते हैं इसमें। और इसमें जो सैलरी डिटेल्स हैं वो आप अपने निगम कार्यालय से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स में यहाँ पे नीचे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दे दूंगा, वहाँ से आप उनको कॉन्टैक्ट करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट वेलफेयर अपडेट था, CA और PMSS के लिए बता दिया। नेक्स्ट आने वाले अपडेट्स में और भी नया अपडेट लेके आऊँगा। मैं सबसे पहले बताया था, आप अगर टेलीग्राम चैनल पे अगर हैं, अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन आपके पास है तो हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को हमारे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास क्वेरी है तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप मेरे को कमेंट करें YouTube पे ही, या आप अगर ज़्यादा लंबा आपके पास कोई मतलब ज़्यादा बड़ा कुछ पूछने का है या आप डिटेल में पूछना चाह रहे हैं तो आप वेबसाइट पे जाके वहाँ पे यहाँ पे आप मेंशन करके मेरे को सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आपका विस्तार पूर्वक उसका जानकारी दे सकूँ। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।